हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग के ऊपर। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग के बारे में बताया था। राउटिंग तीन तरह की होती है, स्टैटिक राउट, डिफॉल्ट राउट और डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग के अंदर आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, जितने इनडायरेक्ट नेटवर्क थे उन्हें कॉन्फ़िगर कर रहे थे। डिफॉल्ट राउटिंग के अंदर जितने अननोन नेटवर्क हैं उन्हें परमिशन देने के लिए आपको नेक्स्ट होप से डिफॉल्ट रूट को परमिशन देनी होती है। डिफॉल्ट रूट मीन्स 0000 एंड इट्स सबनेट मास्क इज ऑल्सो 0000, यानी अननोन नेटवर्क किसी को भी आप परमिशन दे दोगे कोई भी आए, रिस्की होता है डायनेमिक राउट, इसलिए पब्लिक रूट में ही हमेशा यूज होता है। स्टैटिक राउटिंग मोस्ट सिक्योर राउटिंग है, वो भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन स्टैटिक राउटिंग लार्ज नेटवर्क के लिए प्रॉपर वर्क नहीं होता, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हम कितने इनडायरेक्ट नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जब आप लार्ज नेटवर्क की बात करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है सिर्फ डायनेमिक राउटिंग का। सो क्या होता है डायनेमिक राउटिंग, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। डायनेमिक राउटिंग बेस्ट पाथ की सर्च करता है विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बिहाफ पर हम डायनेमिक राउटिंग यूज करते हैं। तीन तरह के डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल एंड हाइब्रिड प्रोटोकॉल। तीन तरह के ये जो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल आप यूज करने वाले हो, ये तीन पार्ट में डिवाइड होंगे, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड। अब इन तीनों का मीनिंग क्या है ये देखते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि डायनेमिक राउटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल की हेल्प से होता है। ये राउटिंग प्रोटोकॉल तीन तरह के होते हैं, या तीन पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड। इनका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस वेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंक स्टेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल की बात करते हैं। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल वो होते हैं जो बेस्ट पाथ सर्च करने के लिए डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखते हैं, यानी डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है इनके फंक्शनिंग के लिए। और इसके एग्जांपल है रिप और आईजीआरपी। ये दो प्रोटोकॉल हैं जो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है। रिप स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एंड आईजीआरपी स्टैंड्स फॉर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सो दैट इज रिप एंड IGRP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP मिलता है और IGRP मिलता है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल से। तो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। दूसरी हम बात करते हैं लिंक स्टेट प्रोटोकॉल की। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल लिंक्स के बिहाफ पर आपने जितने भी आपने यहाँ पर प्रोटोकॉल्स देखोगे, जितने भी राउटर्स हैं उनका अरेंजमेंट एक लिंक के बिहाफ पर होगा। कैसे होगा ये आपके जब यूज करूंगी मैं तो आपको बताऊंगी कि ये किस पे डिपेंड करते हैं, कैसे लिंक्स बनते हैं। सो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल लिंक्स के बिहाफ पर काम करते हैं और इसका एग्जाम्पल है OSPF, जिसको हम ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म है। सो OSPF बेस्ड ऑन अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। तीसरा टाइप है हाइब्रिड। कुछ फीचर्स डिस्टेंस वेक्टर के अच्छे हैं, कुछ फीचर्स लिंक स्टेट के अच्छे हैं, तो इन दोनों को डिफ्यूज करके, इन दोनों को कॉम्बिनेशन लेके एक प्रोटोकॉल, एक एल्गो बनाया गया एल्गोरिथम, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं। सो हाइब्रिड प्रोटोकॉल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट। कुछ पार्ट्स उसके डिस्टेंस वेक्टर की तरह काम होते हैं, कुछ लिंक स्टेट की तरह काम करते हैं। दोनों के जो है बेस्ट पार्ट को लेकर एक एल्गो बनाया गया जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है EIGRP। एक बात और बता दूं, IGRP प्रोटोकॉल जो आपने देखा था उसी का ये नेक्स्ट वर्जन है, इनहेंस्ड वर्जन है, इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब IGRP यूज नहीं होता, ओल्ड वर्जन में आपका IGRP यूज होता था, अब EIGRP यूज होता है क्योंकि ये आपका बेस्ट वर्जन है। सो EIGRP हमारा है हाइब्रिड प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल, EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol। अब कैसे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा प्रोटोकॉल सुटेबल है आपके नेटवर्क के लिए, तो उसके लिए आप यूज को पता होना चाहिए कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के और उनकी मीनिंग क्या होती है, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके स्ट्रक्चर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सुटेबल होगा।
डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के हमें सारे फीचर्स पता होंगे तभी हम उसका बता पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे पहला आपका आएगा वो क्या होगा, एल्गोरिथम, फिर सोर्स, फिर मैक्सिमम होप, मैट्रिक, अपडेट टाइम, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, क्लास फुल, क्लास लेस और ऑथेंटिकेशन। ये फीचर्स हैं जो आपके डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के फीचर्स हैं जिनके बिहाफ पर ये फंक्शन करते हैं। तो ये फीचर्स के बारे में हम डिटेल से देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा प्रोटोकॉल किस परफॉर्मेंस में बेस्ट होता है। सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के एल्गो अलग अलग हैं, सोर्स अलग है, मैक्सिमम होप अलग है, मैट्रिक अलग है, तो उनके बिहाफ पर जो उसका एक परफॉर्मेंस बनता है वो आपको पता चलेगा। तो हम इन सारे फीचर्स के बारे में डिटेल से पहले देखते हैं, एल्गोरिथम क्या होता है, सोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होप क्या होता है, मैट्रिक क्या होता है, अपडेट टाइम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, क्लास फुल, क्लास लेस क्या होता है और ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गोरिथम की। व्हाट इज एल्गोरिथम? आपने 9th, 10th इसमें बहुत सारे एल्गो पढ़े होंगे, पाइथागोरस एल्गोरिथम, डिजाक्स्ट्रा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके बिहाफ पर कोई चीज काम करती है। जैसे पाइथागोरस जो आपने एल्गो पढ़ा वो किस लिए पढ़ा? राइट एंगल ट्रायंगल के आपके हाइपोटेनस की डिस्टेंस निकालने के लिए, जो कितना हाइपोटेनस है वो निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी है, राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए जो आपका फंक्शन कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, वो वर्क किस रूल पे डिपेंड है। जैसे फैट एनटीएफएस क्या है? फाइल सिस्टम के रूल रेगुलेशन है। वैसे ही राउटिंग प्रोटोकॉल किस रूल पे काम कर रहा है उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो रिप और आईजीआरपी यूज करते हैं बेलमॉन फोर्ड एल्गोरिथम। साइंटिस्ट का नाम है बेलमॉन फोर्ड एल्गो। तो बेलमॉन फोर्ड साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम पर उनके रूल रेगुलेशन का नाम भी बेलमॉन फोर्ड पड़ गया, एल्गोरिथम का नाम भी बेलमॉन फोर्ड पड़ गया। तो रिप एंड आईजीआरपी यूज बेलमॉन फोर्ड एल्गोरिथम। ओएसपीएफ डिजाक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करते हैं। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला, वही वाली डिजाक्स्ट्रा एल्गोरिथम है। वही साइंटिस्ट डिजाक्स्ट्रा थे जिनके बिहाफ पर ये यहाँ पे भी डिस्टेंस काउंटिंग के लिए डिजाक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करता है। तो ओएसपीएफ यूज करता है डिजाक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ईआईजीआरपी जैसे मैंने आपको पहले बताया हाइब्रिड है, दोनों के कॉम्बिनेशन लेके बनाया गया है, दोनों के एल्गोरिथम को डिफ्यूज किया गया और उसके बाद जो रिजल्टेंट निकला उसके बिहाफ पर ईआईजीआरपी काम करता है, इसीलिए ये डुअल एल्गोरिथम यूज करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल? DUAL, डुअल का फुल फॉर्म है डिफ्यूज अपडेट एल्गोरिथम। तो ईआईजीआरपी यूज करता है डुअल, ओएसपीएफ यूज करता है डिजाक्स्ट्रा, रिप एंड आईजीआरपी यूज करते हैं बेलमॉन फोर्ड एल्गोरिथम। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सोर्स की। आप किस कंपनी का राउटर यूज कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस एल्गोरिथम को ज्यादा अच्छा सपोर्ट करेगा। अगर आप जैसे आप सीसीएनए कर रहे हो, व्हाट इज सीसीएनए? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। सिस्को के जो डिवाइसेज हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉपुलर हैं आपके नेटवर्किंग में। तो अगर आप सिस्को राउटर्स यूज़ कर रहे हो तो कौन सा प्रोटोकॉल बेस्ट होगा? अगर सारे सिस्को राउटर्स हैं तो आपके लिए EIGRP बेस्ट है, क्योंकि EIGRP सिस्को प्रोपेट्री है, सिस्को ने ही EIGRP को बनाया है। लेकिन नाउ EIGRP इज ओपन, अब ये EIGRP ओपन हो रहा है। IGRP भी सिस्को प्रोपेट्री है लेकिन ये ओल्डर वर्जन में यूज होता था, इसी का इन्हेंस्ड वर्जन आया है EIGRP, इन्हेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो
अब ईआईजीआरपी ओपन हो रहा है, बट बेसिकली जब ईआईजीआरपी बना था तो ये केवल सिस्को प्रोप्रेटरी था, केवल सिस्को राउटर्स पर ही रन कर सकता था, बाकी किसी राउटर्स को ये नहीं जानता था। लेकिन शुरू से ही रिप और ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर फॉर ओपन किसी भी राउटर्स पर काम कर सकते हैं, सिस्को का हो, जेंसिया का हो, नोकिया का हो, किसी का भी हो, रिप और ओएसपीएफ इस पे काम कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से राउटर्स हैं और उस पे कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल्स फंक्शन कर सकते हैं, दैट इज सोर्स यानी कंपनी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल जो है आईजीआरपी वो सिस्को के लिए बेस्ड है, और रिप और ओएसपीएफ ओपन के लिए यानी सभी के लिए। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम हो। आपको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टैटिक राउटिंग स्मॉल नेटवर्क के लिए अच्छा है, लार्ज नेटवर्क के लिए कॉम्प्लेक्स है, तो कितने मैक्सिमम होप सपोर्ट करता है ये भी पता करना पड़ेगा कि आपके स्ट्रक्चर कितना बड़ा है और उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा। तो सभी राउटिंग प्रोटोकॉल की स्ट्रेंथ कैपेसिटी अलग अलग होती है, जैसे रिप केवल 15 राउटर्स को ही सपोर्ट करता है, 16 को वो जीरो कर देता है। आईजीआरपी 100 राउटर्स को सपोर्ट करता है, ईआईजीआरपी 255 राउटर्स को सपोर्ट करता है, और ओएसपीएफ अनलिमिटेड राउटर्स को सपोर्ट करता है। तो आपकी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बताती है कि आप कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करोगे, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए 50 राउटर है तो आप रिप यूज़ नहीं कर सकते, ईआईजीआरपी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास 300 राउटर हैं तो आप ईआईजीआरपी भी यूज़ नहीं कर सकते, ओएसपीएफ ही केवल यूज़ होगा वहाँ। तो आपके नेटवर्क की स्ट्रेंथ ये डिसाइड कराती है कि आप कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करोगे। नेक्स्ट है आपका मेट्रिक। मेट्रिक क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि सब अलग अलग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, कोई बेलमन फोर्ड यूज़ करता है, कोई डिज़ाक्स्ट्रा यूज़ करता है, कोई डुएल यूज़ करता है। कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल किस फीचर को बेस बना रहा है, वो बेस फीचर मेट्रिक कहलाता है। जिसके बिहाफ पर वो राउटिंग प्रोटोकॉल बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है उसे वो क्या कहता है, मेट्रिक। जैसे रिप यूज़ करता है होप काउंट, सो होप काउंट इज़ अ मेट्रिक ऑफ रिप। IGRP यूज करता है बैंडविड्थ एंड डिले, सो दैट इज द मेट्रिक ऑफ IGRP। EIGRP यूज करता है बैंडविड्थ प्लस लोड प्लस डिले, सो दैट इज द मेट्रिक ऑफ EIGRP। OSPF की मेट्रिक है कॉस्ट, इंटरनल अपने परफॉर्मेंस अपने रूट के बिहाफ पर एक वैल्यू का जनरेट करता है जिसको कॉस्ट कहते हैं, और उसके बिहाफ पर ये बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, दैट इज मेट्रिक ऑफ OSPF। तो बेसिक फीचर जिसके बिहाफ पर ये बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है उसे मेट्रिक कहते हैं, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारा लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अपडेट टाइमर। अपडेट टाइमर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके नेटवर्क में 4 राउटर हैं, 5 राउटर हैं, इस राउटर पे आपके 2 नेटवर्क काम कर रहे हैं, उस पे 3, उस पे 2, इस तरह से काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को अपने नेबर के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देना किसका काम है, यानी राउटिंग टेबल का अपना एक्सचेंज करना, जहां राउटर्स के पास जो भी आपके नेटवर्क IPs हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो, और उसके बाद इसके पास जो अपडेट्स आते रहेंगे कि किस लिंक के पास कौन सा नेटवर्क है, वो एक टेबल मेंटेन करता है जिसको हम कहते हैं राउटिंग टेबल। यानी उसने यहाँ पे क्रिएट कर लिया कि ये राउटर 1 पे इस इथरनेट पोर्ट से आपका ये वाले नेटवर्क कनेक्ट है, इस पोर्ट पे ये वाला कनेक्टेड है। कल मैंने डिफॉल्ट राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग करते समय एक नेटवर्क भी आपको एक कमांड रन कराई थी, शो IP रूट, तो वो राउटिंग टेबल ही आपको दिखा रहा था कि हाँ इसके पास कौन कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, दैट इज द राउटिंग टेबल। तो अपने नेबर राउटर के साथ अपनी राउटिंग टेबल को एक्सचेंज करता है अपडेट करने के लिए, ताकि सारे नेटवर्क्स की उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए, और इस डेटा पैकेट को, राउटिंग टेबल का जो डेटा पैकेट बनता है इसको कहते हैं आप हेलो पैकेट। तो हर राउटर अपने नेबर राउटर से अपने एक फिक्स टाइमर के बाद, या जैसे रेप है 30 सेकेंड्स के बाद, IGRP 90 सेकेंड्स के बाद,
क्या करेगा, अपने नेबर राउटर्स को हेलो करेगा, यानी अपने नेबर राउटर से अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा। तो इसे कहते हैं अपडेट टाइमर। वो इंटरवल जिसके बाद वो राउटिंग टेबल एक्सचेंज करता है उसे अपडेट टाइम कहते हैं। रिप के लिए बात की जाए तो ये 30 सेकेंड्स है, आईजीआरपी के लिए बात की जाए तो ये 90 सेकेंड्स है, और ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ के लिए बात की जाए तो ये ट्रिगर अपडेट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगर अपडेट, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो रिप और आईजीआरपी के लिए ये 30 सेकेंड्स और 90 सेकेंड्स है, ये बेनिफिशियल है या नहीं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे अब मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि ये तीन राउटर्स हैं, तीनों रिप पे काम कर रहे हैं। तो रिप क्या करेगा, हर 30 सेकेंड्स के बाद कहेगा कि मेरा राउटिंग टेबल ले लो। तो पहले 30 सेकेंड्स के बाद ये अपने नेबर को दिया कि मेरे पास ये वाला नेटवर्क है, 192.168.1.253/30 वाला, ये वाला नेटवर्क है। ये कहेगा कि मेरे पास 254/30 जो है नेटवर्क है, और इधर 249 वाला नेटवर्क है। इसके पास ये दो नेटवर्क है, इसके पास तो केवल एक ही नेटवर्क है, इसके पास 248 वाला नेटवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर हर 30 सेकेंड्स के बाद, तीन ही राउटर है, पहले 30 सेकेंड्स के इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, दूसरे 30 सेकेंड्स में जब इसकी इन्फॉर्मेशन इसके पास होगी अगली बार के राउटिंग टेबल में, ये इसकी इन्फॉर्मेशन इसको दे दिया। यानी 90 सेकेंड्स में तो सारी इन्फॉर्मेशन सेम एक्सचेंज होने लगी, लेकिन तो भी हर 30 सेकेंड्स के बाद ये कह रहा है कि मेरी राउटिंग टेबल ले लो, मेरी राउटिंग टेबल ले लो, क्योंकि फास्ट इथरनेट पर भी इंटरफेस है सब है। तो नेटवर्क लॉस होने लगा 90 सेकेंड्स के बाद, क्योंकि सारी इन्फो, तीन ही राउटर थे, तीनों के पास अपडेट्स आ चुके हैं, तो अब हमें राउटिंग टेबल एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके जो यहां पर इंफॉर्मेशन है, पहले 30 सेकेंड्स पर क्या हो रहा है, पहले 30 सेकेंड्स में ये आपसे कह रहा है, ये राउटर अपने अपनी इंफॉर्मेशन इसको दिया पहले 30 सेकेंड्स में, और उसके बाद दूसरा 30 सेकेंड्स जब आया, तो जब पहले 30 सेकेंड्स में इसने इसको दिया होगा तो इसने भी इसको दिया होगा, इसने भी इसको दिया होगा, तो 3 की इंफॉर्मेशन इसके पास आ गई कि 3 नेटवर्क भी है कोई। अगले 30 सेकेंड्स में जब ये इंफॉर्मेशन देने लगा तो इसने 3 की इंफॉर्मेशन इसको दे दी, और इसने इसको जब अपडेट दिया तो 1 की इंफॉर्मेशन इसको दे दी। तो जहां आप ये कह रहे हो कि पहले 30 सेकेंड्स में इंफॉर्मेशन अच्छी थी, इसको 3 की 1 की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन 2 को मिल गई, 2 को 3 की इंफॉर्मेशन मिल गई, उसके अगले 30 सेकेंड्स यानी 60 सेकेंड में 2 ने पहले को बता दिया कि 3 नाम का राउटर यहां पे कनेक्टेड है जिसके पास ये नेटवर्क है। यानी इसके पास राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 तीनों की इंफॉर्मेशन आ गई। अब अगर तीनों की इंफॉर्मेशन 60 के बाद आ गई तो अगले 30 सेकेंड्स 90 सेकेंड्स में क्या हुआ कि सेम इन्फॉर्मेशन है, R1, R2, R3 तीनों की इन्फॉर्मेशन इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, फिर भी ये डेटा एक्सचेंज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, नेटवर्क लॉस। तो रिप और आईजीआरपी का जो ये फिक्स टाइमर है उस पे कुछ समय के बाद, एक यूनिक टाइम के बाद, वो हेलो पैकेट्स जो फॉरवर्ड हो रहे हैं वो लॉस ऑफ द नेटवर्क है। इसीलिए EIGRP और OSPF पर अपडेट आया ट्रिगर अपडेट का। ट्रिगर अपडेट क्या होता है कि जब भी कोई नया राउटर ऐड या रिमूव होगा केवल उस कंडीशन में ये ट्रिगर अपडेट जनरेट करेंगे, हेलो पैकेट्स जनरेट करेंगे और सबको अपडेट करेंगे, दैट इज ट्रिगर अपडेट। तो रिप और आईजीआरपी, रिप का 30 सेकेंड्स है, आईजीआरपी का 90 सेकेंड्स है, लेकिन EIGRP और OSPF काम करते हैं ट्रिगर अपडेट के ऊपर। आज के लिए मैं अपडेट तक ही करा रही हूँ, बाकी के जो बचे हुए आपके फीचर्स हैं वो कल के हम फीचर में देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, क्लास फुल क्लास लेस क्या है, और ऑथेंटिकेशन क्या होती है इसके बारे में, और फिर हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे।